दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। जिला भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश जी सोनी के निर्देश अनुसार महिला मोर्चा के द्वारा लाडली बहना योजना व महिला सशक्तिकरण को लेकर जिला भाजपा कार्यालय बड़वानी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में लाडली बहना योजना की जानकारी और उसके फायदे बताए। वहीं प्रेस नोट जारी किया जिसमें कांग्रेस द्वारा बोले झूठ का उल्लेख किया, जिसमें बहनों से आग्रह किया कांग्रेस के झूठ में ना फंसे और अपना कोई भी गोपनीय दस्तावेज और खास तौर पर आधार कार्ड चरित्रकारी कांग्रेस के नेताओं के हाथ में ना दें। जिसमें खरगोन नपा अध्यक्ष श्रीमती छाया जी जोशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी जी शर्मा व महिला मोर्चा की बहनें उपस्थित रहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा हो रहा है। महिला मोर्चे की अध्यक्ष जो हमारी लक्ष्मी शर्मा जी, उनके उसमें आउट हो रही है ये बैठक, और इसमें हम लोग लाली लक्ष्मी के संबंध में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो लाली लक्ष्मी होगा उसके लिए हम लोग आगे करते हैं। पहले तो मैं हमारी महिला मोर्चा की सारी टीम को धन्यवाद देती हूँ जो मैं बड़वानी में आई हूँ, और मेरे जो मीडिया के सभी भाइयों को आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस लाडली लक्ष्मी योजना के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत सभी बहनों की ओर से धन्यवाद दूँगी, क्योंकि उन्होंने जो ये योजना निकाली है उनके इस योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों के लिए जो सोचा है कि लाडली लक्ष्मी तो निकाली थी बिटियाओं के लिए और लाडली बहना निकाली है हमारी बहनों के लिए, तो हम लोग लाडली बहना के लिए इस योजना के अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सोच था कि जो लाडली बहना है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर नहीं थी और अपने घर में जो काम करती महिलाएं हैं उनको उन्होंने एक संबल दिया है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। उस 1,000 रुपये की जो योजना है मुख्यमंत्री जी, जो महिला कहीं भी जाती है मार्केट जाए चाहे कोई छोटी 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 चीज़ों के लिए हाथ फैलाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि चलो लाडली लक्ष्मी देते हैं, अपनी लाडली बहनाओं को भी बिल्कुल सशक्त कर दें ताकि किसी के आगे हाथ न फैला सके। वर्ग एक के लिए दीदी काउंसलिंग के लिए महिलाएं बैठी है तपती रूप में, महिला होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वर्ग एक के लिए दीधी काउंसलिंग के लिए भोपाल में महिलाएं धरने पर बैठी है, महिला होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम ये कहते हैं कि वर्ग एक के लिए जो शिक्षा विभाग के इसमें है, कौन सा है विषय क्या है? शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के इसमें जी वर्ग एक के लिए बैठी हैं काउंसिलिंग के लिए महिलाएं जो धरने पर बैठी हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगी कि थोड़ा और समय दें ताकि हम उस समय को लेके जो धरने पर बैठे हैं कि हमको मतलब उनकी जो मांगे हैं